गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास फोर का साइंस पढ़ेंगे। तो क्लास फोर का साइंस पढ़ाने से पहले हम आप लोग को ये बता दें कि अभी तक जो है हम लोगों ने जो है लेसन दो लेसन तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्लास फोर का साइंस जो है दो लेसन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर तुम लोग को अगर जिसने जिसने देखा होगा वो तो ठीक है, जिसने नहीं देखा होगा तो वो या तो व्हाट्सअप कर देगा तो उसको जो है लिंक मिल जाएगा, यानी तो वो जाकर के प्लेलिस्ट से देख लेगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे साइंस में, तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ चुके हैं और सेकंड चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे, तो आज हमारा फिर से फर्स्ट चैप्टर ही हम लोग आज पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर से। आज हम लोग रिविजन करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि जो लिविंग बींग्स है यानी कि जो जीवित प्राणी है उनकी क्या विशेषताएं हमें इसमें पढ़ने को इस चैप्टर में है। और हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है लेकिन फिर से हम रिविजन कर दे रहे हैं और रिविजन करना भी जरूरी है। तो हम लोग शुरू करेंगे कि यू सी मेनी थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल अराउंड यू। तुम लोग देखते हो अपने चारों तरफ आसपास, तुम लोग देखते हो किसको देखते हो, पौधों को देखते हो, बहुत सारी वस्तुओं को देखते हो, पौधों को देखते हो, जंतुओं को देखते हो, यानी कि पत्थर, पेड़, पौधा, किताब, कलम, बेंच, ये सारी चीजें तुम लोग देखते हो। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जो है थिंग्स हैं, ये सारी चीजें हैं, वस्तु हैं। तो सम ऑफ देम आर लिविंग व्हाइल अदर्स आर नॉन लिविंग। इसमें क्या किया है कि दो पार्ट में इसको बांटा गया है, एक है लिविंग, लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, दो पार्ट में बांटा गया, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम लोग जो अपने आसपास जो देखते हैं चीजों को देखते हैं तो वो दो तरह की होती है। जो भी वस्तुओं को देखते हैं हम लोग, वस्तुएं दो तरह की होती है, या तो वो लिविंग होंगी या तो वो नॉन लिविंग होंगी। तो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेक, पीपल एंड प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। ये जितने भी हैं जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप और बहुत सारे जो जंतु हैं, हम लोग मनुष्य खुद हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। इसको हम लिख देते हैं लिविंग में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सभी क्या हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए। अब बचता है कि टेबल, चेयर, कार, हाउस एंड स्टोर आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी तुम्हारा टेबल, कुर्सी, घर और क्या पत्थर, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। टेबल, चेयर, कार, यानी कि तुम सीधा सीधे जान लो कि लिविंग थिंग्स मतलब हो गया जिसमें जान है वो लिविंग है और जिसमें जान नहीं है वो क्या है, नॉन लिविंग है। हम लोग देखते हैं अपने आसपास, देखते हैं बहुत सारी चीजों को, देखते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं जिसमें वो चीजें जो है जानवर, जानदार चीजें होती हैं, बहुत सारी बेजान चीजें जिसमें जान नहीं होता है, बिना जान की होती हैं। जैसे कि हम लोग, तुम जो भी अपने आसपास देख लो, जिसमें जान होगा वो लिविंग होगा और जिसमें जान नहीं होगा वो नॉन लिविंग होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि टेबल, चेयर, कार, हाउस एंड स्टोन आर नॉन लिविंग। यू कैन रिकॉग्नाइज लिविंग बींग्स क्वाइट इजिली। तुम आसानी से लिविंग वस्तुओं की पहचान कर सकते हो। लिविंग थिंग्स मूव, फील एंड रिएक्ट, ब्रेथ, टेक फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, वो क्या करते हैं कि वो घूमते हैं, उनके अंदर महसूस करना होता है, वो रिएक्ट करते हैं यानी कि उनके अंदर प्रतिक्रिया होती है, ब्रेथ यानी कि वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, ग्रो यानी कि वृद्धि करते हैं और रिप्रोड्यूस यानी कि अपने से संतान की उत्पत्ति करते हैं। ये कौन करता है, लिविंग थिंग्स करते हैं। दीज फीचर्स आर मिसिंग इन नॉन लिविंग थिंग्स। और ये सब सारी जो खासियत होती है ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स महसूस नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भोजन नहीं करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। ये हो गया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में हमको फर्क है, ये अंतर है इसमें, ये डिफरेंस हो गया दोनों में। अब आते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव।
मूव होता है गति करना, लिविंग थिंग्स मूव. तो मैन एंड ऑल एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो मैन यानी कि मनुष्य होते हैं और जो जंतु होते हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं. जो मैन एंड ऑल एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और आ सकते हैं. लार्ज एनिमल्स वॉक ऑन देयर लेग्स, बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई इन द एयर. जो बड़े जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैर के द्वारा, अपने पैरों के जरिए क्या करते हैं, वो चलते हैं. और कुछ जंतु होते हैं जैसे कि पक्षी हो गए और कुछ कीड़े मकड़े हो गए, जो अपने पंख के माध्यम से, उनके अंदर उनके पास पंख होता है, उससे वो उड़ते हैं. फिश स्विम इन वाटर, स्नेक्स एंड स्नेल्स क्रॉल. जो मछली होती है वो क्या करती है, नदी में तैरती है और क्या करती है, और सांप जो होते हैं, सांप और जो स्नेल होता है, घोंगा होता है, ये क्या करता है, ये रेंगते हैं. उसके बाद से दे मूव इन सर्च ऑफ फूड और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इनिमीज. डेड एनिमल्स कैन नॉट मूव. ये क्या करते हैं कि भोजन की तलाश में दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं. और जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो मृत जंतु होते हैं, वो क्या, जो मरे हुए जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गति नहीं करते हैं. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो पौधे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं. बट दे आर पार्ट्स शो मूवमेंट. लेकिन इनके जो पार्ट्स होते हैं, जो इनके अंग होते हैं, उनकी हमें गति देखने को मिलती है. फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूव टर्न टुवार्ड्स द सन. जो सनफ्लावर होता है यानी कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है, सूरजमुखी के पौधे में एक खासियत होती है कि ये क्या करता है कि सूरज जिधर से निकलता है, सूरज जिधर रहता है उधर ये क्या करता है, अपने आप को घुमा लेता है. यानी कि सूरज की दिशा की तरफ ये अपने आप को घुमा लेता है. पीटल्स ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी ओपन इच मॉर्निंग. जो मॉर्निंग ग्लोरी के जो मॉर्निंग ग्लोरी जो पौधा होता है, इसकी जो पंखुड़ियां होती है वो क्या होती है कि सूरज निकलने पर ही खिलती हैं. मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ टच मी नॉट कैन बी ऑब्जर्व इवन बाई ए माइल्ड टच ऑफ योर फिंगर. जो टच मी नॉट होता है, जिसको हम लोग छुई मुई का पौधा करते हैं, इसकी छुई मुई के पौधे को जैसे ही हम लोग छूते हैं, ये क्या करता है, अपने पत्तियों को सिकोड़ लेता है. इसमें क्या होता है, खासियत होता है, ये मूवमेंट हमको देखने को मिलता है पौधों में. और पौधे की क्या होती है, पौधे एक जगह दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन पौधे क्या करते हैं, पौधे वृद्धि करते हैं. तो ये वृद्धि हमें दिखाई देती है, ये पौधे क्या करते हैं, पौधे के अंदर वृद्धि हमें दिखाई देती है. मनुष्य भी क्या होता है, मनुष्य भी ग्रोथ करता है, यानी बढ़ता है. Thus we see that all living things move on their own. इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी जीवित प्राणी होते हैं वो खुद से अपनी इच्छा अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. दे कैन स्टार्ट और स्टॉप मूविंग व्हेन दे वांट टू. जब उनकी मर्जी करती है वो घूमना शुरू कर देते हैं, जब उनकी मर्जी करती है वो रुक जाते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर स्टेशनरी और मूव विद द हेल्प ऑफ लिविंग थिंग्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये गति नहीं करते हैं, बल्कि इनको गति करने के लिए दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है. जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, ये खुद से नहीं चलती है, बल्कि हम लोग इसे चलाते हैं. वी हैव टू मेक देम मूव. हम लोग इसे खुद से हम लोग गतिशील बनाते हैं. ए फ्लाई और काउ मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन इट्स ओन व्हील ऑन व्हील. जब हमने देखा होगा कि फ्लाई मक्खी जो होती है, मक्खी या गाय या कोई भी जंतु, इसकी जब भी मर्जी करती है, जब भी इच्छा होती है, क्या करते हैं, अपने इच्छा अनुसार एक जगह दूसरे जगह चले जाते हैं. रिवर वाटर फ्लोज क्लाउड्स मूव बट नॉट ऑन देयर ओन व्हील. नदी का पानी बहता है, आसमान में बादल बहता है, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं बहता है, इसमें जान नहीं होता है. वाटर कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल. क्लाउड्स मूव ओनली बाय विंड सो दे आर नॉन लिविंग. नदी का पानी जब भी बहेगा कभी भी लोअर लेवल से हायर लेवल, यानी कि नीचे से ऊपर कभी नहीं पानी बहता है, हमेशा पानी किधर बहता है, हाई से लो की तरफ, यानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ. और बादल कब आसमान में तैरता है, जब हवा रहती है, तो हवा के जरिए जो है बादल जो आसमान में तैरता हमें दिखाई देता है. ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ये नॉन लिविंग. सो दे आर नॉन लिविंग, इसलिए ये क्या है,
देखेंगे आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इसको, जो है तुम लोग रिवीजन के लिए सिर्फ, ये सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब सिर्फ हम लोग रिवीजन के तौर पर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग थर्ड लेसन पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।